वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ, वॉइस टीवी यूपी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में थाना उत्तर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई पत्थर से मारकर हत्या के संबंध में आज एसपी सिटी कार्यालय पर एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला टापा खुर्द में एक व्यक्ति की पत्थर मारकर बेरहमी से हत्या की गई थी, जिसके संबंध में मृतक सुभाष चंद्र जाटव के भाई विवेक कुमार जाटव ने 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके संबंध में आज पुलिस ने कड़ी मेहनत और लगन से मुख्य अभियुक्त पंकज राजपूत पुत्र मंगल सिंह निवासी टापा खुर्द थाना उत्तर को हत्या में प्रयोग किया गया पत्थर और वो खून से मिली चप्पलों को अभियुक्त सहित बरामद किया। आपको बता दें, 2 दिन पहले सुभाष चंद्र जाटव नाम के व्यक्ति का मोहल्ले के ही पंकज राजपूत पुत्र मंगल सिंह ने से विवाद हो गया था, जिसमें पत्थर के द्वारा मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक के भाई के द्वारा मुकदमा लिखा गया था। थाना उत्तर पुलिस के अथक प्रयास से हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको न्यायालय में भेजा गया है। तो जी मेरे पीछे पीछे मैं गली में आने मेरे घर की तरफ चलने लगे पीछे पीछे में चप्पल मैंने हुकुम चाचा मैंने हुकुम चाचा लग दिए तो चाचा मैंने बोला बोले नहीं रुका धनी मत तू ये मत तू इसको मत साढ़े 9-10 बजे की बात थी, रात में दिन में रात में मैं अपने घर जा रहा था रोड पर जब अपने घर के पास ही खड़े थे तीन लोग तो मुझसे बोले पंकज भाई मैं नहीं रुके हूँ भाई मैं तो रात का मुझे रुके लगा बात दात करा देती हूँ तो हमला करा रहे हमला करा रहे लोग मैं निकल गया 10 बजे ना तो जी मेरे पीछे पीछे मैं गली में आने मेरे घर की तरफ चलने लगे पीछे पीछे मेरे चप्पल गली मैंने घूमू चाचा मैंने घूमू चाचा लग गए तो चाचा मैंने बोले बोले नहीं रुका अरे मारूँ मार तू कच मार तो जो दुकान पर चुनी कर हुआ है दादा टोटल रुपया लेकिन एक चाहिए सर लेकिन रुपया नहीं मार खुलासा किया है आज जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर के अंतर्गत टापा खुर्द गाँव में परसों शाम को लगभग रात्रि 9:30 बजे 2 युवक एक गंगादी नामक आदमी के दुकान पर पहुंचे। वहां पर इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, जिसमें से जो अभी व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे थे इसका नाम पंकज राजपूत है, इसने उस विवाद में एक पत्थर उठाकर मार दिया जो सुभाष चंद्र को लग गया। उसके सर पर चोट लगी, गंभीर चोट थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में कुल 5 लोगों की नामजदगी की गई है, जिसमें अभी तक जो गिरफ्तारी की गई है पंकज राजपूत की गई है और इसमें साक्ष्य संकलन किया गया है और आपके सामने पत्थर रखा हुआ है जिसमें उसके बाल भी मृतक के लगे हुए हैं। इसी पत्थर से हमला किया गया था और इसकी गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों के संदर्भ में भी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।